सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पूरी तरह इस वर्तमान में मुंबई की कॉरपोरेशन पूरी तरह फेल हो चुकी है। पहली बारिश में ही पूरा मुंबई आप देखिए ठप हो चुका है। रेलवे डिले हो गई, रस्ते पे ट्रैफिक भर गया। मैं मेरी बात बताऊं, मुझे बांद्रा से यहाँ पहुंचने के लिए 2.25 घंटे लगे। ये हो गया है मुंबई का हाल। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से, मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का जो बजट है 35,000 करोड़ का बजट है, जो हिंदुस्तान के काफी राज्यों का इतना बजट नहीं, उस बजट का होता क्या है? क्यों बारिश के पहले बड़े बड़े वादे किए जाते हैं कि इस बारिश में हमने ड्रेनेज क्लीन किया है, गटर पाइपलाइन साफ किया है, सब कुछ किया है, तो क्यों ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं? एक्चुअली क्या हो रहा है? ये मुंबई को आप पूछो किस तरह से फेस कर रहा है, बच्चे जो स्कूल में गए आने के लिए उनके घर में किस तरह से सामना करना पड़ रहा है। तो सरकार को मैंडेट दिया है लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, या सिर्फ जुमलाबाजी करने के लिए, या सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास? विश्वास तो मुंबई का खो दिया सरकार को। विश्वास कहाँ आएगा? आप लोग खर्चा कहाँ कर रहे हो? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा सरकार को। जो भी म्यूनिसिपल कर्मचारी है उसको पूछना पड़ेगा कि किस तरह कहाँ पैसा तुमने डाला इतना, क्यों आज सड़कों की रस्तों की हालत खराब हो गई। मेरी जानकारी के मुताबिक मुझे पता चला है कि एक लेडी का इलेक्ट्रिक शॉक लगने से डेथ हो गई। तो क्या बारिश के पहले सरकार को नहीं चाहिए था कि सारी वायरिंग का प्रॉब्लम इंतजाम करे, पोटोल्स को बराबर से फिल करे, ड्रेनेज का काम करे? नहीं, सब मुंबई पूरा अफरा तफरी में हो गया। आज आप खुद देखिए क्या हालत चल रहा है मुंबई में। कहीं ना कहीं सरकार नाकाम होती दिखाई दे रही है। सरकार अकाउंटेबिलिटी जब तक फिक्स नहीं करेगी, इसी तरह मुंबई कर को सामना करना पड़ेगा। और आने वाले चुनाव में मैं समझता हूँ कि मुंबई कर जिसने तकलीफ उठाया है वो सरकार को इसका जवाब दे। क्या मांग क्या करते हैं सरकार से? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो। जितने भी बीएमसी कर्मचारी है जिनको ये काम दिया गया था, पोर्टल्स का, ड्रेनेज सिस्टम का, इलेक्ट्रिसिटी का, उनके खिलाफ कार्रवाई करो कि तुम फेल कैसा हुए। जब तक आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं करोगे ना, तब तक तो ऐसा होगा। आज मुंबई के बारे में लोग क्या कहते हैं? या रस्तों पे खड्डे नहीं है, खड्डों पे रास्ते बना दिए गए हैं, मेट्रो का काम चालू है। तो पूरी तरह अपना कचरे का माहौल, किस तरह से आम मुंबई का जो बेचारा ट्रेन में ट्रेवल करता है, बस में ट्रेवल करता है, बच्चे स्कूल बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आज सब ट्रैफिक में स्टैंड किए खड़े लिखना। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और शेयर जरूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को तो भूलना ही मत, उसे जरूर दबा देना।
की वजह क्या है? मैं कल भी प्रशासन से बात किया, मेरा सवाल यही था, सदर साहब मौजूद थे, मैंने पूछा प्रशासन से कि उनको इतनी हिम्मत आती कहाँ से है कि वो एक निहत्ते आदमी को खतर तो कर देते हैं, फिर उसका एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करके हमारे दिलों में खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। खौफ ये दो एक जगह नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। अजीज दोस्तों, दूसरे समाज भी जो आज हमारे इस दर्द में शामिल हुए हैं, ये वो लोग हैं जो संविधान में यकीन रखते हैं। सबर अंसारी के साथ जो जालिमाना और वेश्याना सलूक किया गया, मॉब लिंचिंग 2015 से शुरू हुई, जब अखलाक साहब का कत्ल किया गया था अपनी दादरी के अंदर, वहाँ से लेकर तबरेज़ अंसारी तक, तबरेज़ अंसारी का जो कत्ल हुआ, पहले कहा जाता था कि गाय थी इसलिए मारे, बीफ था इसलिए मारे, अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि चोरी किया था। हालांकि वो नौजवान ताकत से बोलो तो लोगों को सच मालूम हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कितना बेहतरीन तरीके से बोलते हैं, उन्हीं से सीख रहे हैं सभी लोग। उसको पीटा गया, 2 दिन तक पीटा गया, 18 घंटे 17 घंटे पीटने के बाद पुलिस के हवाले किया गया, और पुलिस का भी रूल सही नहीं था उसके अंदर, इतना मारने के बाद भी पुलिस जो है उनको, पुलिस ने चोर का ना मुकदमा तो चोरी का उस पर जो है लिख दिया, मगर उसके साथ जो ज़्यादती हुई उसका कहीं तस्करा नहीं किया, और ना उसको दवाखाने बताने के लिए ले गए। ये बीजेपी की नीति है, लेकिन इस नीति को हम सफल नहीं होने देंगे, हम सब एक हैं और एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे। हमारे कोई मुसलमान भाइयों के ऊपर भी अन्याय होता है, दलित भाइयों के ऊपर कोई अन्याय होता है, किसी भी वंचित घटक के ऊपर अन्याय होता है, तो हम सब एक जगह पर आकर के ये लड़ाई लड़के इस मोदी सरकार को एक ना एक दिन घर पे बिठाने के लिए हम सब लोग प्रयास करेंगे। हमारी सभी जाति अमन शांति चाहने वाले लोग यहाँ पर मौजूद है, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के 1,67,000 वोट लेकर के चुनाव लड़े हैं, करेंगे सर। इस देश के संविधान के ऊपर इस देश चलता है, संविधान ने 4 बातें प्रास्ताविक में दी हुई है, स्वतंत्रता पहली बात वहाँ पर संविधान में रखी है, हर जात का आदमी, हर धर्म का आदमी, हर पंथ का आदमी इस देश में सुख संचय रह सकता है, वो अपनी अपनी बोली भाषा बोल सकता है, वो अपनी अपनी वेशभाषा अपने मन के मुताबिक कर सकता है, वो अपने मन के मुताबिक खा पी सकता है, लेकिन जब से ये मोदी का सरकार आया है तब से हमारे खाने पीने पर भी बंधन। वंचित बहुजन आघाड़ी के लोकसभा के उम्मीदवार मेरे बड़े भाई यशपाल जी होंगे, वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदारान, और आज आए हुए यहाँ पर इस आंदोलन को मेरे तमाम बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम जय भीम जय मल्हार जय सिंह, आप तमाम लोगों की मौजूदगी यकीनन ये इस मुल्क के अंदर एक नया हिंदुस्तान है, उसका सबूत यहाँ पर हर समाज के लोग आप लोगों के लिए, अगर यहाँ पर आप तमाम लोगों ने उलेमाए दीनों की बात को सुनकर उनके ऐलान आतों पे आप यहाँ पर आए, तबरेज अंसारी एक सबसे पहले इंसान था जिस तरह से यहाँ पर भंते जी ने बताया है, और उलेमा तुम्हारा हमारा इत्तेजाज इस तरीके से रहना चाहिए, संजीदगी से रहना चाहिए।